The particle is initially situated here, it means it is at rest, and acceleration is a naught in horizontal direction. There is no gravitational acceleration. तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. अगर ग्रेविटी एक्ट करती तो कैसा होता बोलो? पैराबोलिक पाथ में होता है. यस और नो? तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन से आप बना सकते हो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सी दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा. नाउ दिस इज आर, सो दिस लेंथ विल बी आर कॉस अल्फा, दिस विल आल्सो बी आर कॉस अल्फा. सो द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी व्हाट? 2r cos अल्फा. यस और नो? राइट. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल स्पीड इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट विल बी टू आर कॉस एल्फा हाफ ए नॉट टी का स्क्वायर. सो टी विल बी रूट ओवर फोर आर कॉस एल्फा अपॉन ए नॉट. ये सो नो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा. लगेगा और इसको दोबारा टकराना है इससे. इसमें कुछ अप्रोच वाला कंडीशन इतना ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं. टकराना है तो यहां जाके टकराना है. बोलो. तो आपको यही सोचना है ना कि ये लेंथ कितनी होगी. बोलो. तो ज्योमेट्री एक कॉर्ड की लेंथ हमेशा 2r. बेसिकली ये एंगल थीटा होता है तो 2r sin θ आता है. ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ऐसा ये एंगल, तो ये 2r sin थीटा आता है. ये भी 2r sin थीटा, मतलब r sin θ 2r sin θ आता है. बट इस बार एंगल ये वाला गिवन था तो 2r cos अल्फा ले लिया है ना बेटा.